हेलो फ्रेंड्स, रेशमा मल्टी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरवा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 4-5 बैंगन ले लिया, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके किनारे का ये सब है जो थोड़ा थोड़ा मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ 2 बड़े आलू को मैंने काट लिया है गोल शेप में, आप कोई भी शेप काट सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने नमक लिया है 1/2 छोटा चम्मच और 1 गिलास में मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिलास में हम गिलास के पानी में नमक को डाल देंगे। मैंने इस गिलास में नमक को डाल दिया है, अब इसे हम थोड़ा सा घोल लेंगे। और इस नमक के पानी में हम ये जो आलू का मैंने पीस काटा हुआ है इसमें डाल देंगे। तो आलू का भरवा हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा आलू का भरवा बनता है अगर नमक के पानी में इसे डाल दें। इसको लगभग हम 5 मिनट तक इसी पानी में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पानी में आलू के जो है कटे हुए पीस इसको मैंने डाल दिए हैं, इसे मैं 5 मिनट तक रख देती हूँ ऐसे ही ढक के। और तब तक मैं इस बैंगन में चीरा लगा लेती हूँ। अब हम बैंगन का भरवा बनाने के लिए इसमें बीच में हम चीरा लगा लेते हैं। तो इस टाइप से हम इसे कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे चीरा लगा लेना है। तो हम सारे बैंगन में इसी तरीके से चीरा बीच से लगा लेंगे। इस साइड से चीरा लगाना है, पूरा किनारे तक नहीं, ये जुड़ा हुआ रहेगा कि देखिए। तो ये देखिए मैंने सारे बैंगन में चीरा लगा लिया है। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। देखिए ये कलौंजी मसाला है, मैंने मसाले को ले लिया है। आप किसी भी दुकान पे कलौंजी मसाला बोलेंगी तो ये आराम से मिल जाएगा। इसे अचार मसाला भी बोलते हैं, इसमें कई मसाले मिक्स हैं। तो अब इसे हम भून लेते हैं, तो हल्का हम भूनेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम भून लेते हैं इस मसाले को। देखिए यहाँ मैंने गैस को ऑन करके मैंने बर्तन रख दिया है, तो इसमें हम मसाले को डालेंगे और इसे हम भून लेंगे। मसाला हमारा चटकना स्टार्ट हो गया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा सा और हम भूनेंगे, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा और हम इसे भून लेते हैं और फिर इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से चटकने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है आलू, जिस आलू को मैंने नमक वाले पानी में भिगोए थे। 5 मिनट हो चुका है तो इनको हम निकाल लेते हैं कि थोड़े से नरम पड़ गए हैं। ऐसे बनाने से आलू का भरवा बहुत ही अच्छा बनता है, इसके अंदर नमक का भी फ्लेवर आएगा, इस तरीके से नहीं आता। तो सारे आलू को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे आलू को निकाल लिया है, अब इसका हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ भरवा का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े प्याज को काट लिया है बारीक, तो इसे हम ले लेते हैं। और ये मसाला, जिस मसाले को मैंने भुना था उसको हमने ठंडा करके इसे दरदरा पीस लिया। दरदरा पीसने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो इसमें इसको हम डाल देंगे। और ये 2 बड़ा चम्मच खटाई है, आपके पास अगर खटाई नहीं हो तो आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे भी हम डाल देंगे। यहाँ 6-7 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई हैं, इन्हें भी डाल देंगे। यहाँ 6-7 हरी मिर्च कटे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा तीखा आपको खाना पसंद हो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो इसे भी हम डाल देते हैं। अब यहाँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल हम डालेंगे, इसे ज़रूर से डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये नमक है, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक को डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से भरवा ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट भरवा बनता है। तो हम अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। मसाला बनके बिल्कुल रेडी है, तो हम इसमें भर लेते हैं बैंगन में इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा बैंगन के अंदर हम मसाले को भर लेंगे। तो हम ऐसे ही सारे बैंगन को अच्छे से भर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अगर इस तरीके से आपको बनाना हो तो ऐसे भी भर के बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए
यहाँ मैंने सारे बैंगन को भर लिए हैं। तो ये टूथपिक है, इसको हम लगा देते हैं ताकि जो मसाला हो बाहर नहीं निकलेगा भूनते टाइम। तो इस तरीके से हम सब में टूथपिक को लगा देते हैं। हमने सारे बैंगन में टूथपिक को लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारे बैंगन में टूथपिक को लगा दिया है ताकि ये जो मसाले मैंने भरे हैं वो बाहर नहीं निकलेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दिया है। तो इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया, बहुत तेल की ज़रूरत नहीं है, इतने ही में बहुत अच्छा बैंगन बनता है। अब इसमें हम भरे हुए बैंगन को डालेंगे। अच्छा, अब इसे हम ढक देते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अभी इसे आराम से पलट लेते हैं। इसमें देखिए डंठल है तो बहुत इजीली ये घुमा सकते हैं आप जैसे चाहें। तो उसका वो डंठल के साथ ही ये भरवा को बनाएं। अभी इसे हम फिर ढक देंगे और अच्छे से पका लेंगे इसे। यहाँ देखिए बैंगन का भरवा बिल्कुल अच्छे से बन गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को डाल दिया है, इसमें हम आलू को डालेंगे। अब हम आलू का भरवा बना लेते हैं। अब इसे हम ढक देंगे। अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा बना हुआ, खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया बहुत स्वादिष्ट ये लगते हैं और बनाना भी बहुत इजी है, बहुत इजी सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।